हाय फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेग्नेंसी तथा बच्चों से जुड़ी छोटी छोटी समस्याएं चाहती हैं तो सब्सक्राइब करें हेल्पिंग आई टीवी को और बगल में बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि प्रेग्नेंसी के दौरान मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना सही है या नहीं, क्योंकि आजकल महिलाओं को, क्या बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी को मोबाइल की लत लग चुकी है। लेकिन क्या प्रेगनेंसी के दौरान मोबाइल चलाने से बच्चे पर कोई प्रभाव पड़ता है? आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान एक निश्चित समय तय करें कि आपको कितनी देर मोबाइल चलाना है। दिन भर मोबाइल में ना लगे रहें आपकी और आपके बच्चे के लिए सही नहीं होता है। मोबाइल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें निकलती हैं जो अत्यधिक नुकसानदायक होती हैं। यह प्रतिरोधक क्षमता में कमी पैदा कर देती हैं। अधिक मोबाइल के इस्तेमाल से आपको मानसिक थकान, सिरदर्द, डिप्रेशन, नींद ना आना, चक्कर जैसी समस्याएं हो सकती हैं जो आपके शिशु के लिए भी सही नहीं है। मोबाइल द्वारा निकलने वाली किरणें सीधे आपके मस्तिष्क पर असर डालती हैं और बच्चे पर भी इसका विपरीत असर पड़ता है। यह बच्चे की स्वास्थ्य और दिमागी क्षमता को प्रभावित कर कई नकारात्मक प्रभाव डालने लगता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि इससे निकलने वाले विकिरण आपको कैंसर, हाई बीपी जैसी समस्याएं, गंभीर बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। ज़्यादा मोबाइल में दिन व्यतीत करना अच्छी नहीं होती। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके अपने मूड को फ्रेश करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करें। कभी गाना सुने तो कभी कुछ इंटरनेट पर अच्छी चीज़ें पढ़ें और देखें। दिन भर मोबाइल चलाने से दूर रहें। नॉर्मल इंसान को भी मोबाइल कई तरह की समस्याएं पैदा कर देता है। फिर आप तो प्रेग्नेंट हैं, आपके पेट में बच्चा पल रहा है, तो मोबाइल का बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।